एक बहुत बड़े गेस्ट से आज जुड़ेंगे अपने शो में, बहुत बड़े एएस के रेमंड जेम्स के भरत शाह, वो हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ रहे हैं। बहुत ही खास पेशकश है। भरत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ईटी नौ स्वदेश पर आज जुड़ने के लिए। एएस के ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मार्केट में 3 दशक से ऑब्जर्व कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम सबकी जानकारी बढ़ा रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं। भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आज बात करने के लिए ईटी नौ स्वदेश पर। थैंक यू, आपका आई कैन सी यू। भरत भाई, आप जूम पे हैं, हम लोग कैमरा पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हमें देख ना पाए, लेकिन आपके टेलीविजन के ऊपर जरूर दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन चलिए बातचीत शुरू करते हैं। भरत भाई, इस समय जो मार्केट का माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, स्ट्रांग अर्निंग्स के क्लियर साइंस हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट चला भी हुआ है, वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा चीप नहीं है। अकॉर्डिंग कुछ कुछ वॉइसेस बोल रही हैं कि इकोनॉमी से डीकपल्ड है, मार्केट अलग चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, फंडामेंटल चेंजेस हैं ग्राउंड पे, इसलिए बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। आपका क्या व्यू है इस समय? क्लियरली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है और स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन क्या है, उसको हमें अलग करना चाहिए। मार्केट की इंडेक्स बढ़ी है, वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, बट वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल है या ज्यादा है या व्हाटएवर, ये ओपिनियन है या अभिप्राय है, क्योंकि वैल्यूएशन कोई मैथमेटिकल नंबर केवल नहीं है। आज की अर्निंग्स और आज का भाव और अगले साल की अर्निंग्स, उतना ही सिंपल इक्वेशन केवल वैल्यूएशन का होता तो हमें ये डिबेट की आवश्यकता ही नहीं थी कोई। वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन की परिभाषा में अर्निंग्स, सस्टेनेबिलिटी, इट्स पैटर्न, कन्वर्जन इनटू कैश फ्लो, कैपिटल एफिशिएंसी, ये सभी फैक्टर्स महत्व के हैं। लॉन्जेविटी कितनी है अर्निंग्स की, सॉलिडिटी कितनी है, प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है, ये सभी फैक्टर्स, क्वालिटेटिव और उसके साथ कैपिटल एफिशिएंसी, ये सभी फैक्टर्स जब तक हम ध्यान में नहीं लेते तो वैल्यूएशन ओपिनियन अधूरा रहता है, वो केवल एक मैथमेटिकल नंबर बन के रह जाता है। तो वही कई बार वो कंफ्यूजन दिखती है ओपिनियंस में। दूसरा मेरा मानना है कि फंडामेंटली, स्ट्रक्चरली बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, नजर में भी आ रहे। बिजनेसेस हैव बिकम मोर डिजिटल, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है और अभी शुरुआत भी है उसकी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत संभावनाएं दिखेगी कि कैसे बिजनेसेस ज्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट कटिंग, कैपिटल एफिशिएंसी, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड स्केल बढ़ाने में बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर में आएगी। उसके अलावा हम जो नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हो रही है, स्टार्टअप जो पूरी इकोसिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, इसके भी दूरगामी परिणाम, दूरगामी असर नजर में आएगी। तीसरा, आप ये देखिए कि पेमेंट साइड में जो रेवोल्यूशन इंडिया में आया है, आज हम 2016 नवंबर में डीमोनिटाइजेशन आया, उसके बाद डिजिटल पेमेंट को एक बढ़ावा मिलने के लिए जगह खड़ी हुई। मई 2017 में यूपीआई की पेमेंट स्टेक गॉट लॉन्च, और आज 4 साल में इंडिया इज बिकम पूरे विश्व में नंबर 1 डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग में है एज अ परसेंटेज टोटल पेमेंट्स में। सो ये बहुत सारे महत्व के फैक्टर्स है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत लॉन्ग टर्म की वृद्धि आएगी,
और मैं मानता हूँ कि कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स और हमारे जो 6-7 साल के रिफॉर्म हुए, जीएसटी का फॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट, ट्रांसपेरेंसी इम्पैक्ट भी नजर में आने लगा है। सिमिलर इम्पैक्ट आप रियल एस्टेट में देख रहे हो रेरा की वजह से, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट की वजह से, चाहे बिजनेस फेलियर विच इज अ डेलिबरेट वन और विच इज ए एक्सीडेंटल वन, दोनों को एक सॉर्ट आउट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। और हमारे जो लेबर रिफॉर्म्स, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अनाउंस हुए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जो 3 महत्व के फार्म बिल जो पास हुए, वो भी मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का फंडामेंटल महत्व का बदलाव आएगा। तो कई सारे फैक्टर्स हैं और ये रिफॉर्म्स और ये रिलेटेडली रिसेंट ये पेंडेमिक समय में जो चेंजेस आए, वो सब मिल मिला कि मैं मानता हूँ कि अगले समय में इसके बहुत स्ट्रक्चरल और पॉजिटिव लॉन्ग टर्म की बेनिफिशियल इम्पैक्ट नजर में आएगी। वैल्यूएशन को वो पॉइंट्स ध्यान में रख के हमें वो सोचना चाहिए। जी, बहुत अच्छा आपने कुछ बातें हमारे साथ शेयर की कि बहुत सारे रिफॉर्म और स्ट्रक्चरल कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से बाजार को और कंपनीज की इंप्रूवमेंट एफिशिएंसीज बढ़ रही है और वो कुछ हद तक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। भरत भाई, आपको कौन से सेक्टर्स स्ट्रक्चरली एक ड्यूरेबल इंप्रूवमेंट ट्रेंड में लग रहे हैं, स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं सिर्फ, लेकिन अर्निंग्स, स्केल, एफिशिएंसी, बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट, इन सब के हिसाब से कहां पे आपको, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो कॉर्पोरेट इंडिया ने लास्ट 2-3 सालों में मेजर डिलीवरेजिंग की है और अपनी बैलेंस शीट्स को लाइटन किया है, उस तरह से आपको कौन से सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं? एक तो पहले जो भी हम सोचे बिजनेसेस और स्टॉक मार्केट्स दोनों साथ में लिंक्ड है। ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट्स अपनी दिशा पकड़ती है और बिजनेसेस कोई और दिशा में होता है, और यदि ऐसा होता है तो वो सस्टेन नहीं होता है। तो जो इन्वेस्टिंग इज नथिंग इफ इट इज नॉट बिजनेस लाइक। अल्टीमेटली बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैरेक्टर नजर में आता है, वही इवेंचुअली स्टॉक्स में और उनके भाव में नजर होना चाहिए। तो वो एक तो मैं पहले पॉइंट आपको, आपने जो पूछा कि भाई स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन बिजनेस इसमें क्या नजर आता है, तो आई थॉट कि ये एक मैं इसके पर स्पष्टीकरण दूं। दूसरा, मुझे तो बहुत सारे बिजनेसेस में मतलब वर्जिन सी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और मेरा भाई ये मानना है ये केवल 2 या 3 या 5 साल की हम बातें नहीं कर रहे। मुझे तो मुझे महसूस होता है कि शायद 15-20 साल तक हम फंडामेंटली डिफरेंट ऑर्बिट में है एज बिजनेसेस, एज इकोनॉमी। इकोनॉमी अपनी एक स्ट्रेंथ पे आके खड़ी हुई है, बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स को अपनी चीजें वो इकोनॉमी के बैकड्रॉप में आगे लेके जानी है। और मैं मानता हूँ कि कई सारे फैक्टर्स अभी ये बहुत सारे बिजनेसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हम लेंडिंग बिजनेसेस की बात करें, वहां भी डिजिटाइजेशन की वजह से फंडामेंटल रेवोल्यूशन एक शुरुआत हुई है। आप चाहे उसमें ट्रेडिशनल लेंडिंग तो रहेगी रहेगी, बट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टू स्पर इट एंड टू क्वालिटेटिवली उसको कैसे मजबूत होगा, वो कई सारी चीजें नजर में आएगी। जैसे यूपीआई पेमेंट स्टेक की वजह से जो रेवोल्यूशन आया है, ओवरऑल फिनटेक एनवायरनमेंट में मैं मानता हूँ कि बहुत सारी संभावनाएं अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो लेंडिंग बिजनेसेस में मैं मानता हूँ कि बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूँ कि इंश्योरेंस में भी मतलब 5 और 10 साल नहीं, मैं मानता हूँ कि शायद 20 साल या उससे ज्यादा आपको डबल डिजिट लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर आएगी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। बिजनेसेस बिजनेसेस आर मटीरियली अंडर इंश्योर्ड,
इवन हाउस होल्डर सभी ने रियलाइज किया है ये पेंडेमिक की फ्रेजिलिटी के समय कि कहीं हद तक प्रोटेक्शन चाहे लाइफ का हो या हेल्थ का हो या असेट का हो वो काफी हद तक अधूरा है। तो मैं वहां भी मैं लंबे अरसे की मैं संभावनाएं देख रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ केयर है, मेडिकल डिवाइसेस है, डायग्नोस्टिक चेन है, और अभी लास्ट वीक जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की अनाउंसमेंट हुई वो इतना स्ट्रक्चरली बहुत ही जबरदस्त महत्व का स्ट्रक्चरल बदलाव होगा वो जैसे इंप्लीमेंट होता है। तो वहां भी मैं मानता हूँ कि 15-20 साल तक हमें लंबे अरसे की स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की संभावनाएं है। उसके अलावा आप केमिकल्स में देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव एग्रोकेम स्पेशलिटी, ये तीनों एरिया में चाइना की जो रवैया है और बिहेवियर है वहां से सम पार्ट ऑफ द चेन सप्लाई चेन वो 2017 से मूव होना शुरू हो गई थी। बट लास्ट ईयर की जो पिक्चर इमर्ज होके आई है वहां से वो वेरी क्लियर लॉन्ग टर्म का डिसाइसिव सप्लाई चेन का मूवमेंट की क्लियरिटी दे रही है जी। तो बहुत सारे बिजनेसेस है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सारे सेक्टर्स जहाँ पर आपने ये बात की, कई सारे स्टॉक्स भी, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, इसी के साथ समझना चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स यानी ऐसे कई सारी कंपनी जो प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग देती हैं, प्लेटफॉर्म्स देती हैं, चाहे आप बजाज फाइनेंस की बात करें, चाहे आप इंडियामार्ट की बात करें, जोमैटो फॉर दैट मैटर बात करें, ऐसे स्टॉक पर, ऐसे सेक्टर और इनमें से किसी ऐसे स्टॉक जिस पर आपने जिसको आप ट्रैक करते हो, जिस पर आपका नजरिया बुलिश हो। नहीं, वो तो मैंने पहले ही जिक्र किया है कि डिजिटल एक रेवोल्यूशन की तरह यहाँ आया है। कोई भी बिजनेस अभी cannot afford to only remain physical. Of course, कोई भी बिजनेस को 100% डिजिटल होना भी कोई आवश्यक नहीं है। तो जो बिजनेस मॉडल्स आगे इमर्ज होंगे और जैसे ब्लेंड होंगे वो फिजिकल और डिजिटल का एक उत्कृष्ट किस्म का ब्लेंड इमर्ज होके आएगा। तो वो अभी एज आई मेंशन्ड अर्लियर अभी शुरुआती हुई है, कई सारे बिजनेस मॉडल्स इमर्ज होते। आप टाइम टू टाइम रेस्टोरा में भी जाओगे, आप फैमिली के साथ समय बिताओगे, एनवायरमेंट एंजॉय करोगे, साथ साथ कन्वीनियंस है कि आप जोमेटो से या कहा स्विगी से आप खाना भी घर पे ऑर्डर करोगे। तो आप थिएटर में भी जाओगे, ओटीटी पे आपकी शोज या मूवीज भी देखोगे। तो हर बिजनेस में आप ग्रोसरी ऑनलाइन भी मंगाओगे और आप शॉप में भी जाओगे। तो बिजनेस इसकी ब्लेंड और पावरफुल मॉडल इमर्ज होगी। तो कोई स्पेसिफिक बिजनेस की मैं बात यहाँ नहीं करना चाहूंगा ऑन पब्लिक मीडियम, बट डिजिटाइजेशन केवल एक टिंके की तरह शुरुआत हुई है और हम पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशनल पावर और उसकी बेनिफिशियल इम्पैक्ट अभी सालों तक दायकों तक दिखाई देगी। भरत जी, आप एक चीज ये पता करनी थी, ये चाइना प्लस वन वाला सिनेरियो कितना इम्पोर्टेंट है और इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये महत्व का है। मैं मानता हूँ कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो अनाउंस हुई बहुत टाइमली थी, वेल कंसीव्ड है और बहुत जरूरी थी। हमारी हम केवल सर्विसेज के बलबूते पे ग्रो नहीं कर सकते, या ग्रो करेंगे तो हमारी सर्विसेज की मर्यादा आएगी। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंटीग्रल और महत्व का हिस्सा है इकोनॉमी को ग्रो करने का, नहीं तो हम नेशन ऑफ ट्रेडर्स बन के रह जाएंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI करीब 14 सेक्टरों में कुल मिला के 2,70,000 करोड़ का अभी तक जो इंसेंटिव अनाउंस हुआ है, ये एक रेवोल्यूशन की तरह का बदलाव है।
और ये जैसे हम कंसीव कर रहे हैं और अभी दिख रहा है वैसे ही इंप्लीमेंट होगा, तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को बदलने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और ये इम्पैक्ट केवल वो बिजनेसेस में नहीं है कि जो PLI स्कीम के एलिजिबल है और जिन्होंने अप्लाई करके वो बलबूते पे अपने प्लांट्स बनाए, पूरी इकोसिस्टम में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस में पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में उसकी इम्पैक्ट आएगी। अच्छा, दूसरा ये केवल आपकी लोकल इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये स्केल बढ़ाने के लिए है। तो आप वो कंपिटिटिवनेस आएगी, स्केल होगी और आप इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी असर इन एक्सपोर्ट्स की प्रतिभा नजर आएगी। चाइना प्लस की जो आप बात कर रहे हैं, केमिकल्स में जैसे मैंने जिक्र किया वो बहुत क्लियर नजर आता है। आज केमिकल्स में दो सबसे बड़े महत्व की इकोनॉमीज है, ये चाइना और इंडिया। जर्मनी अमेरिका का वजूद है, बट मेरे ख्याल से स्केल एंड गोइंग फॉरवर्ड में इंडिया एंड चाइना ही सबसे दो सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है। और इंडिया के लिए महत्व है और बदलाव ये हुआ है कि जो पहले कॉमोडिटी केमिकल्स में हमारी ज्यादा फोकस थी, इंक्रीजिंगली वो दिख रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल में, रिसर्च बेस्ड केमिस्ट्री में ज्यादा इंक्रीमेंटल आउटलुक नजर में आने लगा है। बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, वहां इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवन साल में आधी परसेंट 1% की ग्लोबल वैल्यू चेन शिफ्ट होती है तो भी इंक्रीमेंटल आपको 8-10-12% की पर एनम लॉन्ग टर्म की ग्रोथ रेट, अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्रोथ जो बिजनेसेस के इंडियन बिजनेसेस की को नजर आएगी। तो इसकी ये लॉन्ग टर्म की स्ट्रक्चरल चेंज है। ऐसा ही एग्जाम्पल में जो कंजम्पशन में हम बात कर रहे थे, तो केवल स्टेपल्स में नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है, लग्जरी कंजम्पशन है। यहाँ भी इसके लिंकेजेस आएगी और इसके इम्पैक्ट और बदलाव नजर आएगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स है, मैं मानता हूँ कि इंडिया वर्जिन अपॉर्चुनिटी की देश है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ इतना जबरदस्त बड़ा बदलाव आ सकता है। आज सप्लाई ऑफ कैपिटल उतना बड़ा इश्यू नहीं रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पेंडेमिक समय में हमने बोरोइंग की कॉस्ट घटाई है। आपने डीलिवरेजिंग का जिक्र किया कि कॉरपोरेट इंडिया की डेट इक्विटी रेशियो में एक ही साल में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जहां से मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में सप्लाई ऑफ कैपिटल प्लस न्यू मॉडल्स, रेट्स, इनवेट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटना और हमारी एक तैयारी और एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी और उसके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स इमर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ भी लॉन्ग टर्म की जबरदस्त बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप रिसोर्स सेक्टर में देखिए, सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, यहाँ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की संभावना है वर्चुअली जीरो है। हमारी सीमेंट इंडस्ट्री ग्लोबली कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड कैपेबिलिटी में नंबर वन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में अभी रीजनेबल है, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे कंसोलिडेशन और स्केल बढ़ेगा, इवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंप्रूव होगी। तो बहुत सारे बिजनेसेस में जहां अपॉर्चुनिटी है, कैपिटल गुड्स में भी एक जैसे ये केपेक साइकिल अर्नेसनेस में शुरू होके आगे बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की फुटप्रिंट आगे बढ़ेगी। आप केपेक्स रिलेटेड कैपिटल गुड सप्लाइंग कंपनीज में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ कि ओवरऑल मैं मानता हूँ कि फंडामेंटली ये इकोनॉमी एक करवट बदल के एक नई दिशा में जा रही। अच्छा,
बहुत बढ़िया बात आपने बोली भरत जी। फंडामेंटली हमारी इकोनॉमी करवट बदल के एक नई दिशा में जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के फंडामेंटल एंगल्स पे अपना नजरिया देने के लिए, और बताना हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि कहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपको हंट करनी चाहिए। आपने काफी ज्यादा संकेत उसमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। सो डीपी क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स चाइना प्लस वन थीम, वहां पे इन्वेस्टर